अगर मेरा इन कैश नहीं हो सकता है, वो मेरा किस में आ जाएगा? नॉन करंट में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? यानी कि वो क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया वो? आ गई बात समझ में? और क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आर यू ऑल रेडी? सो फाइनेंसिंग का वर्ड, जैसे ही वर्ड फाइनेंसिंग आता है, अपने अपने दिमाग में क्या लेके आ जाना है? लोन। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग आया तो बिजनेस चलाना है, इन्वेस्टिंग आया तो अच्छा पैसा हम कहीं लगा रहे हैं जिसपे हमें रिटर्न आएंगे, करेक्ट है? और जैसे फाइनेंसिंग वर्ड आया तो मतलब लोन। अब जाहिर सी बात है रोहित, अगर मैंने लोन लिया है तो पैसे तो आएंगे ना मेरे पास, आएंगे कि नहीं आएंगे? पर वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो नहीं आए, इन्वेस्टमेंट से भी नहीं आए। वो पैसा कैसे आया? क्योंकि मैंने लोन लिया है। इज दिस क्लियर है? अब बिजनेस जो है, आपने अगर पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं या फिर आपने अगर कॉमर्स में पढ़ा है, तो बिजनेस जो है वो उसकी तीन फाइनेंसेस के सोर्सेज होते हैं। एक होता है कि वो शेयर्स इशू करता है, पैसा कहाँ से लाएगा? शेयर इशू कर देगा। दूसरा होता है वो डिबेंचर इशू कर देगा। तीसरा होगा कि वो बैंक से लोन लेगा। तो ये सब कहाँ पर आ गया? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इज दिस क्लियर डील है? तो पहला हमारा पैसा कहाँ है? जो प्रोसीड्स आ रहे हैं फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, फिर जो प्रोसीड्स आ रहे हैं फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिर जो लोन हम रेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, सब क्या है हमारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। फिर जो भी मेरा इंक्रीज हो रहा है बैंक बैलेंस में ओवरड्राफ्ट की वजह से, कैश क्रेडिट की वजह से, ये सब क्या हो गए हमारे? ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से इन्फ्लोज हो गए। इज दिस क्लियर डील है? आ गई बात समझ में? अब फाइनेंसिंग से आउटफ्लो क्या होंगे हमारे? फाइनेंसिंग से आउटफ्लो कैसे होंगे? जब भैया हम ये जो शेयर है वो मतलब बायबैक कर लेते हैं, यानी कि हमने शेयर मैंने इशू कर दिया था, मैं वापस से खरीद रही हूँ, तो पैसा चला गया कि नहीं चला गया? इज दिस क्लियर है? कंपनी वापस से अपना ही शेयर खरीद रही है, बायबैक कर रही है, तो पैसा चला जाएगा ना? इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? इज दिस क्लियर? जब हम पेमेंट कर रहे हैं फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट तो करेंगे ही ना, रिडीम तो करना है। रिडेम्पशन का मतलब होता है जब आपका, जो भी हम शेयर्स वगैरह लेते हैं उसका एक ड्यूरेशन होता है, इक्विटी शेयर्स को छोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल मतलब उनको पे करना पड़ेगा, तो जब हम उनको पे करते हैं उस पेमेंट को, चाहे हम शेयर पे करें चाहे हम डिबेंचर पे करें, तो उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं उसको हम? इज दिस क्लियर है? अब जब हम रिडीम करेंगे शेयर्स को या रिडीम करेंगे डिबेंचर्स को, तो पैसा तो चला जाएगा ना बिजनेस से। इज दिस क्लियर है? फिर हम जब रीपेमेंट करेंगे लोन की, तब भी पैसा चला जाएगा बिजनेस से। फिर हम लोग डिविडेंड देंगे। अब मैंने देखिए, अगर मेरे पास डिविडेंड आया है तो वो इन्वेस्टमेंट